इन्होंने चाबी खो दी। Well, hello guys, it's Saurabh back with another vlog. आज का vlog बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं लंबी दियार माइंस, जो कि उत्तराखंड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। चलिए चलते हैं। देख रहे हो भैया क्या रखे हैं, और भैया फोन में लगे पड़े हैं, और भैया बहुत ही बड़े फिटनेस फ्रीक हैं। देखो आप कितने सारे सप्लीमेंट के डब्बे रखे हैं इन्होंने। तो अब हम चलते हैं लंबी दियार माइंस। देख रहे हो भैया आग सेकने में लगे हुए हैं। सच्ची बता रहा हूँ, ठंड तो बहुत थी पर अब आग सेकने के बाद तो बिल्कुल रिचार्ज हो गए हम। पचास हजार से ज्यादा लोग मरे हैं तो भाई मजाक तो है नहीं। हरियाणा के छोरे आके डोले पे देखो रैंडम फन ये 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 बच्चे से स्लैप रखा छोरियां ते गए प्यार यारी। हियर वी आर एट द माइंस, और बहुत सही जगह है, आप जरूर यहां विजिट करना। देखो पूरा गाने के पूरे मजे ले रखे हैं इन्होंने। लंबी दियार माइंस चूना पत्थर की खदान थी। चूना पत्थर में सांस लेने की वजह से, बोले तो लाइमस्टोन में सांस लेने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग दबके भी मरे। ये है लंबी दियार माइंस का ऑफिस, और मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ। रेस्ट इन पीस। कहाँ जा रहे हो भैया? लंबी दियार माइंस के लिए आ रखे थे, लंबी दियार माइंस। आगे नहीं चल सकती, गाड़ी को यहीं पार्क कर दो और अब पैदल चलते हैं। देखो तो फिर दूर से चलते हुए आ रहे हैं, बस अब हिम्मत नहीं है चलाने की क्योंकि सब कुछ हिल रहा, सारा सामान हिल गया इसका। अब हम पैदल चलेंगे, अब गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं। वो रहा लंबी दियार माइंस का ऑफिस, और ये रहा हमारा रास्ता। इन्होंने चाबी खो दी बाइक की, ये देखो
हाँ जी चाबी, ये रहे हमारे भैया चाबी को ढूंढते हुए। देखो यार शिट कहाँ गई। भैया कैसा लग रहा है चाबी खो गया अब आपको? बहुत बुरा लग रहा है यार। अब हम घर कैसे जाएंगे भैया से पूछते हैं, ये भैया बताएंगे हमें। पैदल जाएंगे भैया। कैसे जाएंगे यार, एक बार अपनी जेब चेक करो ना यार। ये भैया को विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इनको चाबी पकड़ाई थी बाइक खड़ी करके और इन्होंने चाबी खो दी। भैया कैसे जाएंगे इतनी दूर, 30 किलोमीटर, बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। वी आर इन अ हॉन्टेड प्लेस, इतनी हॉन्टेड, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए। चले फिर भैया वापस, सब पैक, चाबी ढूंढी जाएगी। चलो अब चलते हैं वापस, अब घर को चलते हैं। हियर इज द की। और फाइनली हमें की मिल गई यार, बहुत खुशी हो रही है। सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो इमेजिन करने लग गया था कि मैं अपनी बाइक को धक्का लगा के ऊपर तक कैसे पहुँचाऊंगा, और या फिर हम चाबी कहाँ से लाएंगे बाइक। मैं तो इसकी बाइक का ताला तोड़ने वाला था थोड़ी देर में भाई। ये भाई की शक्ल रोने वाली हो गई थी, ये बोल रहा कि मैं भैया मेरे ऐसा हो गया, भैया वैसा हो गया, घर कौन जाएगा, देहरादून से चाबी कौन लेके आएगा। एंड फाइनली की हमें मिली यहाँ शिट के पास, शिट के अंदर गिरी हुई थी। चाबी किसको मिली सारा? भैया को। भैया को ये फाइनली, कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट द सोल्स, तो वो बात आज सही पता चली है। क्योंकि जैसे कि भाई की चाबी खो गई थी हमारी, उसकी, सौरभ भाई की, तो हमें भी लग नहीं रहा था कि हम घर कैसे जा पाएंगे। हमने सोचा था, फ्रेंड को कॉल भी किया था उसने, बट कॉल पिक नहीं किया था। बट फिर फाइनली एकदम ऑल ऑफ अ सडन कॉल, उनका भी कॉल आया, उसके फ्रेंड का, सौरभ भाई का। एंड देन उसके बाद फिर हम चाबी मिली, चाबी मिलने के बाद हम अब घर को जा रहे हैं। कैसी खुशी लग रही सौरभ? बहुत खुशी हो रही है यार भैया, इतनी खुशी हो रही है कि क्या बोले। यस यस, देखो जो वहाँ के कुछ हैपनिंग्स हुए थे उन्हें रिस्पेक्ट किया करो, उनके अगेंस्ट मत जाया करो। चलो फिर चलते हैं भाई घर, अब टाइम भी हो रहा है, घर भी जाना अपना। चले चलो लेट्स गो, चलते हैं। लेट्स गो।